लीजिए इस नवरात्रि बिना किसी तामझाम के ढेर सारो वेफर हम बना करके तैयार करेंगे। एक बार बनाइए और साल भर के लिए स्टोर कीजिए। हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक आलू से हमने 100 पापड़ बना लिए, 200 पापड़ बना लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना करके देखती हूँ क्या सच में एक आलू से 100 या 200 पापड़ बन जाते हैं। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि मेरे कितने पापड़ बनाए जब मैं इस पापड़ को बना लूँगी। लेकिन पापड़ बनते बहुत बढ़िया हैं, एकदम अच्छी कढ़ाई, आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे, बहुत ही टेस्टी भी होता है। आप भी एक बार ज़रूर इस वेफर को बना करके देखिए, चाहे वेफर कह लीजिए इसे या पापड़ कह लीजिए। वेफर से ये काफ़ी पतला सूख करके हो जाता है, जब हम इसे सुखाते हैं तो ये बहुत इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो चलिए एक आलू से हम अब इस वेफर या पापड़ को बना लेते हैं। तो यहाँ एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू ले लिया है, इसे अच्छी तरह से हम धो करके और छील लेंगे। छीलने के बाद रफली इसे चॉप कर लेंगे, क्योंकि आगे इसे हमें मिक्सी में ही पीसना है। तो आप इसे छोटे बड़े साइज़ में अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि पीसने में आसानी हो। अब इस आलू को हम धो लेंगे अच्छी तरह से, इसका एक बार स्टार्च जो ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाए। इसे धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऊपर से जो इसमें स्टार्च है उसकी वजह से काला पड़ जाएगा। तो इस आलू को मैंने देखिए दो बार इस तरह से धो लिया है। अब मिक्सी जार में डाल करके इसे हम पीस लेंगे। आलू को मिक्सर में डालने के बाद इसमें थोड़ा ही पानी हम डालेंगे ताकि हमारा आलू अच्छी तरह से पीस सके। तो करीब 1/4 कप के आसपास मैंने पानी इसमें ऐड किया है और काफ़ी अच्छी तरह से इस आलू को पीस लिया है। अब एक छन्नी लेंगे, मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही इसे छान रही हूँ क्योंकि हमें आगे का प्रोसेस कढ़ाई में ही करना है। तो पहले इस मिश्रण को मैं नाप लेती हूँ, तो ये 1 कप हुआ और ये 1/2 कप, तो यानी कि 1.5 कप मेरा मिक्सर पीस करके हो गया है। अब ये मिक्सर 1.5 कप है, तो करीब 3 कप हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 कप पानी नाप करके डाल लेते हैं। 2 कप पानी मैंने डाल दिया है और ये 1/2 कप, और 1/2 कप हमने पानी पीसने में यूज किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम ही पानी डाल रही हूँ। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। छानने के बाद जो आलू के थोड़े से चंक्स जाली में छन्नी में रह गए हैं, इसे हम फिर से छान करके इसी मिश्रण में मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से पीस लिया है और पीस करके इस मिश्रण में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो 1 से 1.5 कप हमारा आलू का पानी है और 2.5 कप हमने पानी का यूज किया है। 2.5 से 3 कप पानी का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो रखते हुए इसे हमें पकाना है। जैसे जैसे इसमें हीट लगेगा, देखिए इस तरह से ये पकते जाएगा, और इसे लगातार हमें चलाना है, नहीं तो नीचे ये चिपक जाएगा। जैसे आप कॉर्न स्टार्च को बार बार हिलाते हैं ना, उसी तरह से इसको हिलाना है। ये आलू का स्टार्च है, हमें इसे हिलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो इसे हमें करीब 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है और लगातार चलाते हुए ही इसे आपको पकाना है। कलछी को नीचे से आप कढ़ाई के तले में टच करते हुए चलाइएगा, नहीं तो नीचे से ये पकड़ने लगेगा। धीरे धीरे आपका मिश्रण देखिए इस तरह से जब गाढ़ा हो जाए, तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा मिश्रण पक गया है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से मिश्रण रनी है, गिर रहा है नीचे की तरफ, तो मतलब ये हमारा मिश्रण अभी तैयार नहीं है। मिश्रण को चेक करके डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से धूप में डाल देंगे तो आपके वेफर सूख तो जाएंगे, लेकिन वो एकदम बाद में टूट जाएंगे, चूरे हो जाएंगे उसके, वो अच्छी तरह से वेफर की तरह निकल करके आएगा नहीं। इसलिए इसे पका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इसे करीब 8 से 9 मिनट तक पकाया है। और एक तरीका इसे चेक करने का मैं बता देती हूँ। इस तरह से हम कलछी को उठाएंगे और अपनी फिंगर से, उंगली से इस तरह से बीच में से एक निशान बना देंगे। अब देखिए ये आपस में चिपक नहीं रहा है, आपस में सिमट नहीं रहा है, काफ़ी देर तक ये इसी तरह से पड़ा है, और इस मिश्रण का जो थिकनेस है हमारी चम्मच को अच्छी तरह से कोट कर रहा है, एकदम गाढ़ा सा चिपक गया हुआ है, मतलब कि ये मिश्रण हमारा तैयार है। फिर से अब इसे हम एक प्लेट में डाल करके फिर से श्योर हो जाएंगे पूरी तरह से कि ये हमारा मिश्रण तैयार है कि नहीं।
कढ़ाई में आप देख सकते होंगे कि बबल्स कितने ज़ोर ज़ोर से आ रहे हैं, एकदम थिक हो गया है, ये भी इसके पक जाने की निशानी है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इस प्लेट में ले लिया है, अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये वेफर तैयार है डालने के लिए। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, अपनी जगह पे एकदम बढ़िया सा फिक्स हो जाएगा। अब एकदम हम श्योर हो गए हैं कि हमारा मिश्रण अच्छी तरह से तैयार है, तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। याद रखिए, वेफर, पापड़, ऐसी कोई भी चीज़ आप जो धूप में सुखाने वाली है उसमें नमक थोड़ा सा कम ही डालिए, क्योंकि सूखने के बाद नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें नमक आप टेस्ट से थोड़ा सा कम ही डालिए। नमक को हम ऊपर से छिड़क करके खा सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तब ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इस वेफर को व्रत के लिए बनाया है, इसलिए यहाँ मैंने सेंधा नमक का यूज किया है। आप चाहें तो नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें आप फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे जीरा, मिर्च वगैरह, आपकी जो इच्छा है उस फ्लेवर को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता है, मैं चम्मच से दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से गाढ़ा होते जा रहा है। तो जब तक ये हल्का सा ठंडा ना हो जाए तब तक इसे आप अच्छी तरह से चलाते ही रहिए, क्योंकि कढ़ाई अभी भी आपकी गर्म होती है। अब एक पॉलीथीन पे हम हल्का सा तेल लगा लेंगे और एक एक चम्मच इसे इस तरह से देखिए डालते जाएंगे, और ये अपने आप फैल करके अपना बढ़िया सा गोल सा शेप ले लेगा। इस वेफर या पापड़ को आप पॉलीथीन पे ही सुखाइएगा। अगर आप थाली वगैरह में डाल करके सुखाने की कोशिश करेंगे तो ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, उसमें से आपका पापड़ या वेफर वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलीथीन अच्छी तरह से साफ करके, हल्का सा ऑयल ग्रीस करके, तब इसको सुखाइएगा। मैंने इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है, ये सुबह की हल्की हल्की धूप मेरे विंडो में आ रही थी वो लग रही है इसमें, बाकी मैंने इसे टोटली पंखे के नीचे ही सुखाया है। जब ये ऊपर से हल्का सा सूख जाए तब आप हाथ से इसको उलट पलट करके सुखा लीजिए। देखिए सूख करके कितना बढ़िया हमारा ये वेफर तैयार हो चुका है। देखने में तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब इसे हम तलेंगे तो ये एकदम वेफर की तरह थिक हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी सा ये वेफर बनता है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते होंगे हमारे ये 50 से 60 वेफर बने हैं, 100-200 नहीं बने हैं। हम इसे तेल में फ्राई करके भी चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से ये फूल जाते हैं। देखिए आप इसे चाहे वेफर कहिए या पापड़ कहिए, और टेस्टी भी काफ़ी बनता है। तो इस तरह से धूप में सुखाने वाले वेफर, पापड़ वगैरह मैं थोड़ी वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, और इस वेफर को बना करके बताइएगा कि ये आपका वेफर कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।